है रुक सीएसटी जाना है सीएसटी चलो सीएसटी हो चलो के कुछ इलाकों से गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। मुंबई के कोलाबा में फायरिंग की खबरें हैं। माना जा रहा है कि दो गुटों के बीच जबरदस्त फायरिंग हो रही है। इस गोलीबारी में एक शख्स घायल हो चुका है। हम आपको बता दें कि विले पार्ले में टैक्सी ब्लास्ट के बाद मुंबई के कुछ और इलाकों से भी इस तरह की खबरें आ रही है। एक के बाद एक धमाका। इन धमाकों के पीछे किसका हाथ है ये अभी कुछ पता नहीं। अभी अभी खबर आई है कि कोलाबा में लियोपोल्ड कैफे में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। कोई नहीं जानता ये कहां से आए हैं क्या चाहते हैं। पहले विले पार्ले में टैक्सी में ब्लास्ट और अब लियोपोल्ड कैफे में इस तरह से फायरिंग का होना। इस वारदात के बाद मुंबई पुलिस पूरी तरह से हरकत में है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये हादसा है या सोची समझी साजिश। जैसे ही मुंबई में आतंकवादी हमले की खबर जगह जगह नाकेबंदी कर दी गई। ऐसी ही नाकेबंदी गिरगांव चौपाटी पर की गई। डॉक्टर टीबी मार्ग पुलिस स्टेशन को खबर मिली कि आतंकवादी सीएसटी पर फायरिंग करने के बाद आमा अस्पताल के पास मुंबई पुलिस के तीन बड़े अधिकारी हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामटे को गोली मार दी है और उन्हीं की पुलिस गाड़ी में बैठ कर भागे। फिर पुलिस को यह खबर मिली कि इन आतंकवादियों ने महाराष्ट्र भवन के पास पुलिस की गाड़ी को छोड़कर एक स्कोडा कार हाईजैक कर लिया है और उस कार में बैठकर दो आतंकवादी गिरगांव चौपाटी की तरफ जा रहे हैं। गिरगांव चौपाटी पर नाकेबंदी और मजबूत कर दी गई। सर स्कोडा लग रही है Thank you.
को जिंदा पकड़ने के लिए अपनी जान कुर्बान करता हूँ, अपनी वर्दी का फर्ज निभाने के लिए, अपने वतन पर मर मिटने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। कसाब के AK-47 से गोलियों की बरसात हो रही थी, लेकिन तुकाराम ने गोलियों की परवाह किए बिना सामने से जाकर AK-47 राइफल को इतनी जोर से पकड़ लिया कि कसाब चाह कर भी उसे तुकाराम ओबले की पकड़ से छुड़ा न सका। AK-47 की सारी गोलियां तुकाराम के सीने में उतर गई। तुकाराम ने हंसते हंसते फिदायीन आतंकवादी कसाब की गोलियों को अपने सीने पर ले लिया, लेकिन मरने से पहले वो काम कर गए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही तुकाराम ने कसाब का AK-47 पकड़ा, वैसे ही वहां मौजूद दूसरे पुलिस के जाबाज कसाब पर टूट पड़े। आज पाक आतंकवादी अजमल अमीर कसाब को 4 गुनाहों में फांसी की सजा ऐलान की गई है। पाकिस्तान में अजमल अमीर कसाब और उनके साथियों ने भारत पे हमला करने की, भारत के नागरिकों को ठार मारने की जो साजिश बनाई थी, और साजिश के मुताबिक कोर्ट ने अजमल कसाब को फांसी की सजा ऐलान की है। इतना ही नहीं, वो भारत से युद्ध खेलने के लिए दोषी करार पाते हुए इंडियन पेनल कोड के 121 के मुताबिक उसको सजाए मौत दी है। सेक्शन 16 के तहत कसाब को फांसी की सजा मुकर्रर की है। आज इस फैसले से मैं खुश हूं। उन सभी को यह सबक है कि देश के खिलाफ जो भी साजिश करेगा उसे कानून के तहत ऐसी ही सजा मिलेगी। धन्यवाद। मुंबई में सैकड़ों बेगुनाहों की जान लेने वाला अजमल आमिर कसाब मौत की आहट सुनकर खामोश था। पुणे की यरवदा जेल में हलचल थी, लेकिन जेल का एक कोना चुपचाप आने वाली मौत का इंतजार कर रहा था। तभी सेल का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर्स के साथ अंदर मजिस्ट्रेट दाखिल होते हैं। मजिस्ट्रेट के आते ही कैदी नंबर C-7096 यानी अजमल आमिर कसाब उनकी ओर पलटता है। डॉक्टर्स कसाब की मेडिकल जांच करते हैं। कसाब दूध बना खड़ा है, नब्ज टटोली जाती है, सीने पर स्टेथोस्कोप से जांच होती है। पूरे कमरे में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी मैजिस्ट्रेट की आवाज,
ट्रैक 812 रन करते हैं, आजादी की शाम नहीं होने देंगे। रन करते हैं, आजादी की शाम नहीं होने देंगे। वीरों की वीर गति को बदनाम नहीं होने देंगे।